अभी हम सांस की क्रिया, इससे बीपी का क्या रिलेशन है, अल्कलाइन का और एसिड का, ठीक है। सारे लोग ऐसे कीजिए हाथ अपने आगे इस प्रकार, अभी ऐसे मुंह खोलेंगे और अंदर से हवा मारिए, ठंडी आ रही है गर्म आ रही है, अभी देखिए इस प्रकार करेंगे, ऐसे मुंह को करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, ये ठंडी आ रही है, ठंडी है। अगर हम ठंडी सांस निकालेंगे, ठंडी सांस निकालेंगे तो क्या होगा, बीपी जिसका लो रहता है उसका बीपी नॉर्मल आएगा, ठीक है। और अगर हम गर्म सांस निकालेंगे, गर्म, तो बीपी हाई जिसका रहता है वो नॉर्मल आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है ये न्यूरोथेरेपी ने खोजा है, इसको हजारों लाखों पेशेंट्स के ऊपर, इसकी हमारे परम पूज्य गुरुजी ने, हजारों लाखों पेशेंटों के ऊपर हमारे परम पूज्य गुरुजी ने इसकी खोज करी है, सर्च करी है, और उन्होंने पाया कि अगर हम ठंडी सांस छोड़ रहे हैं तो लो बीपी वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है, बीपी उसका तुरंत नॉर्मल हो जाता है, और अगर उस गर्म सांस छोड़ता है इंसान मुंह में से तो हाई बीपी नॉर्मल हो जाता है। बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका। देखिए 20 बार हम कर सकते हैं, 20 बार लास्ट, ज्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर हम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो इंसान का जो ज्यादा बीपी हाई है वो बहुत ज्यादा डाउन भी जा सकता है, और जो लो वाला है वो बहुत ज्यादा हाई भी जा सकता है। देखिए उसमें क्या होता है कि बॉडी में अगर हम ठंडी सांस निकाल रहे हैं तो बॉडी में से एसिड निकल रहा है, ठंडापन एसिड निकल रहा है। अगर हम गर्म सांस निकाल रहे हैं तो अल्कलाइन निकल रही है, अल्कलाइन और एसिड। देखो दुनिया भगवान अर्धनारीश्वर देखे थे सभी ने, अर्धनारीश्वर क्या है, आधी काली और आधी वाइट, ठीक है, आधी काली और आधी सफेद, काला हिस्सा एसिड का है और वाइट हिस्सा अल्कलाइन का है, काला हिस्सा एसिड का और वाइट हिस्सा अल्कलाइन का। तो हम ये जो क्रिया है एसिड और अल्कलाइन, बॉडी का एसिड और अल्कलाइन जब इम्बेलेंस हो जाएगा, अम्ल और क्षार, तो बीमारियां आनी ही हैं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो जाए, बीमारियां आनी ही हैं। अम्ल और क्षार कम बढ़ती हो जाए तो, अम्ल और क्षार कम बढ़ती हो जाएगा तो बीमारियां आनी है। ठंडी सांस और गर्म सांस हमारे एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करता है, प्रॉपर बैलेंस करता है, इसीलिए ठंडी और गर्म सांस का यहाँ पर ये लॉजिक बताया गया। Thank you.